आइए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल संदान एजुकॉम में। तो कल हमारी हिंदी इंग्लिश की क्लास हुई थी संदान एजुकॉम। कल आपकी इंग्लिश की क्लास हुई थी। आपकी इंग्लिश की क्लास यहीं पे मेरे साथ इसी चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगी, इसलिए चैनल को पहले सब्सक्राइब कर ले। और याद रखिए, यहाँ पे आपको इंग्लिश की बेसिक से लेकर, बिल्कुल बेसिक से लेकर और CHSL तक की आपको हर तरह की इंग्लिश पढ़ाई जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। निश्चिंत रहिए, बिल्कुल भी आपको हर तरह की इंग्लिश, उसका पूरा सिलेबस क्या क्या आता है बेसिक से लेकर, कल हमने बेसिक्स बिल्कुल भी डिस्कस किया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसको जाके देखिए, जाके चैनल पे वो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा हुआ है, आज अपलोड हो जाएगा वो, ठीक है, आप देखिए उसको जाके। आज स्टार्ट करते हैं इंग्लिश आगे। तो कल हमने डिस्कस किया था, एक मिनट रुक जाइए, कलर को थोड़ा सा डार्क करते हैं सर, इंग्लिश। सो व्हाट इज इंग्लिश, कल पूछा था हमने कि इंग्लिश क्या है, इंग्लिश क्या है, तो आंसर आएगा सामने से, इंग्लिश इज लैंग्वेज। ठीक, ये फटाफट पढ़ लेते हैं, रिकैप देख लीजिए, ये रिकैप है, लैंग्वेज है, ठीक। लैंग्वेज क्या होती है, जो कम्युनिकेशन के लिए यूज हो, ये कम्युनिकेशन के लिए यूज होगी, तो ये इंग्लिश कम्युनिकेशन के लिए यूज होगी। फिर मेरा क्वेश्चन था कि व्हाई, मतलब इंग्लिश क्यों, तो इसका आंसर था कि दो चीजों से। पहली चीज तो इंग्लिश क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज है अपनी, राज्य की जो अपना भारत है तो उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो कोई भी ऑफिशियल काम में आपको इंग्लिश की आवश्यकता पड़ेगी। अब आप कहेंगे कि ठीक है बाद में पढ़ लिया जाएगा इंग्लिश की आवश्यकता पड़ेगी, अभी आपके लिए क्या आवश्यक है, अभी आपके जितने भी एग्जाम होते हैं SSC लेवल के, उनमें सभी में इंग्लिश आती है, कल उसको हमने बताया भी था, जैसे CPO, ठीक, SSC, GD में आती है इंग्लिश, SSC के सारे एग्जाम में आती है इंग्लिश, तो SSC के सारे एग्जाम में आपको इंग्लिश इंपॉर्टेंट है, बेसिक से लेकर अभी कवर किया जाएगा इसी चैनल पे, तो यहीं पे बने रहें और मेरे साथ इसको कवर करते रहें। कल डिस्कस कर लिया था कि अल्फाबेट क्या होती है, अल्फाबेट में वोवेल कंसोनेंट होते हैं, अल्फाबेट और किसी भी लैंग्वेज की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो लेटर होती है। लेटर से क्या फॉर्मेट होता है, फॉर्म होता है वर्ड, वर्ड से सेंटेंस, तो लेटर, लेटर से वर्ड, वर्ड से सेंटेंस, सेंटेंस से पैराग्राफ, पैराग्राफ से स्पीच, यहां तक कल डिस्कस हुआ था, पैराग्राफ से स्पीच। अब आइए, अब इंपॉर्टेंट आपके जो आपके टॉपिक से, जो आपके सिलेबस से डायरेक्ट मिलता जुलता होगा वो होगा यहाँ पे स्पीच का। जब हम स्पीच, मान लो एक कोई सेंटेंस लिखा है, राम इज मोहन्स ब्रदर, मान लीजिए यही लिखा, बहुत सिंपल सा। अब इसमें हमको पार्ट ऑफ स्पीच बताने कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या होंगे, अब पार्ट ऑफ स्पीच बताने, स्पीच आ गया है लेकिन स्पीच के पार्ट करने, मतलब कोई एक सेंटेंस लिखा उसमें पार्ट अलग अलग करके बताइए, राम क्या है, तो राम क्या है, जैसे जानते होंगे आप राम नाउन है, पढ़ाया जाएगा अभी, इज वर्ब है, मोहन ये भी नाम है तो नेम है, तो नेम है तो नाउन, ब्रदर क्या है, ये भी नाउन, ठीक, ये सब क्या है, नाउन है, वर्ब है, प्रीपोजिशन, ये सब आएगा। तो आज डिस्कस करते हैं डिटेल में अपना नया टॉपिक, पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो देयर आर 9 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, भैया पार्ट ऑफ स्पीच कितने प्रकार के हैं, 9 प्रकार के हैं, 9 प्रकार के कौन कौन से, अब देखो 9 प्रकार के, पहला नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, फिर वर्ब, फिर एडवर्ब, फिर प्रीपोजिशन, फिर कंजक्शन, फिर इंटरजेक्शन,
यहाँ पे एन होगा, और नौवां है लास्ट यहाँ पे लिख दे रहे हैं आर्टिकल। अब देखो पार्ट ऑफ स्पीच कितने प्रकार के, पार्ट ऑफ स्पीच 9 प्रकार के, नंबर 1 नाउन, नंबर 2 प्रोनाउन, नंबर 3 एडजेक्टिव, नंबर 4 वर्ब, नंबर 5 एडवर्ब, नंबर 6 प्रीपोजिशन, नंबर 7 कंजक्शन, नंबर 8 इंटरजेक्शन और आर्टिकल। ये हुए तुम आपके पार्ट ऑफ स्पीच। अब देखिए ये पार्ट ऑफ स्पीच हो गए, इसके बाद अपना सिलेबस में क्या रहेगा। सेंटेंस में आपने पढ़ा था कल कि सेंटेंस में दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, क्या काइंड्स और पार्ट्स, दो चीजें इंपॉर्टेंट है, काइंड्स और पार्ट्स। तो कितने तरह के काइंड्स थे। काइंड्स में कंफ्यूज मत होइएगा, 5 तरह के, 5, और ये 2 तरह के। ये कौन कौन थे, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, ये 5 तरह के कल बताए थे, असर्टिव, इंटरोगेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लामेटरी एंड इंपरेटिव। ये 5 तरह के हैं। अभी इसको आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा, एक एक चीज को चार्टना, सेंटेंस को एग्जांपल्स, उनको कैसे चेंजमेंट करते हैं, असर्टिव से इंटरोगेटिव कैसे बनेगा, ये सब पढ़ाया जाएगा आपको। तो आगे आते हैं पार्ट ऑफ स्पीच में। जैसे पहला हमारा पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन, पहला पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। नाउन से पहले सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं, जो एक कॉमन सिलेबस है, कॉमन सिलेबस जो भी सिलेबस मतलब सारे एग्जाम में लगभग वही आता है इंग्लिश का, इसलिए उसका कॉमन सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। तो नाउन को भी रोक दीजिए, उसके पहले सिलेबस डिस्कस कर ले रहे हैं। तो कॉमन सिलेबस ऑफ इंग्लिश, भैया यही फायदा है इंग्लिश पढ़ने से। एक बार इंग्लिश को पढ़ लो, उसके बाद वो ज्यादातर एग्जाम में सिलेबस वही है, सेम सिलेबस है। तो देखो कॉमन सिलेबस, पहला सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होता है, कलर चेंज कर लेता हूं, पहला सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या होता है, एरर को फाइंड आउट करना, एरर स्पॉटिंग। मतलब आपको एक सेंटेंस दिया होगा, एक सेंटेंस दिया कोई भी मान लो, उसमें पूछेगा कि क्या एरर है, एग्जाम्पल देख लो। सिलेबस को समझना बहुत जरूरी है। जैसे दिस इज बॉयज रूम मान लीजिए, तो इसमें ये 2 ये 3 ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट और एक होगा डी पार्ट, नो एरर का ऑप्शन होगा। अब आपसे पूछेगा इसमें कोई गलती दिख रही है, आप बताइए इसमें कोई गलती दिख रही है। अब आप जब मेरे साथ रहेंगे, पूरी क्लासेस करेंगे, तो सब पता चलेगा, ये सब आपको पढ़ाया जाएगा। दिस इज बॉयज रूम, अब बताइए इसमें कोई गलती हो सकती है, बिल्कुल सही लिखा है, ये लड़कों का कमरा है। अगर रूम्स होता तो सी पार्ट में गलती हो जाती, किसमें गलती होती, सी पार्ट में। ऑप्शन मिलेगा सी को टिक करिए, बस आपका काम हो गया। अगर सी में रूम्स नहीं है, अगर इसमें रूम्स नहीं लिखा है, रूम लिखा है जैसे मैंने पहले लिखा था, तो नो एरर होगा फिर, तो नो एरर होगा फिर। पहला टॉपिक क्या है, एरर स्पॉटिंग। अब देखिए दूसरा टॉपिक क्या है अपना, दूसरा टॉपिक है वॉइस। अब वॉइस क्या होता है, 2 तरह की होती है, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। अब इसमें क्या होता है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या है, वॉइस। तो इसमें जैसे मैं कहूं कि मैंने तुमको पढ़ाया, ठीक, मैंने तुमको पढ़ाया, अब इसी बात को उल्टा तरीके से कहना है, तो तुम क्या कहोगे, मुझे सर द्वारा पढ़ाया गया, तो ये एक्टिव हो गया। अगर मैं कह रहा हूं मैंने तुमको पढ़ाया, तो एक्टिव वॉइस है, और तुमने कहा कि मुझे सर द्वारा पढ़ाया गया, तो पैसिव वॉइस है। ये चेंजमेंट होता है, ठीक, इसके रूल्स वगैरह सब डिटेल में कवर होगा। फिर आओ नरेशन में। अब ये नरेशन क्या है, जिसको आप लोग जानते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट के नाम से, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। अभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या है, नरेशन क्या है, नरेशन मतलब नरेट शब्द से बना है,
नरेट का क्या अर्थ होता है? नरेट का अर्थ है कहना। आप जब कोई बात कहते हैं तो वो नरेशन में आती है, ठीक। आप जब कोई बात कहते हैं तो नरेशन में आती है। अब मान लीजिए दो तरीके से बात हो सकती है। एक बात मान लीजिए, एक बात किसी ने कही, मान लो मोदी जी का एग्जाम्पल लेते हैं, मोदी जी ने योगी जी से कहा, तो मोदी जी सैड टू योगी जी, चलो डिस्कस ही कर लेते, लिखते नहीं। मोदी जी ने योगी जी से कहा कि आपको चुनाव जीतना है, मान लो योगी आपको चुनाव जीतना है। अब इस बात को रिपोर्टर इसको लिखेगा तो कैसे लिखेगा बताइए? अगर डायरेक्ट में लिखेगा, अगर डायरेक्ट में लिखेगा, डायरेक्ट मतलब जैसा कहा है सेम, डायरेक्ट का मतलब बिल्कुल बिल्कुल कॉपी करना है, कुछ भी एक शब्द इधर उधर नहीं, अपने शब्दों में नहीं कह सकते हो, तो फिर वो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेगा, ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेगा, वो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेगा। तो डायरेक्ट हमेशा क्या होता है, जो बात कही गई है वो ज्यों त्यों, मतलब जैसी हो वैसी, बिल्कुल वैसी ही बोलनी है, उसको कहते हैं डायरेक्ट। इनडायरेक्ट क्या होता है, अब बताइए, दिख रहा है ना सबको प्रॉपर, ठीक। इनडायरेक्ट क्या होता है? इनडायरेक्ट में जब हम या कोई भी पर्सन किसी दूसरे की बात अपने शब्दों में कहता है, दूसरे की बात अपने शब्दों में कहेंगे। अब अपने शब्दों से क्या कहने का मतलब है, इसे मान लीजिए किसी ने कोई बात कही, मान लो तुम्हारे दोस्त ने मान लो तुम तो बहुत बड़े हो गए यार, गाली वाली तुम्हारे लिए नॉर्मल बात है। मान लो एक छोटा बच्चा है 7 साल का, ठीक, उसके दोस्त ने गाली दी, तो वो उसने बताया घर पे कि इसने गाली दी मुझको, लेकिन अब वो गाली दे के नहीं बताएगा ना, तो उसने अपने शब्दों में उस बात को कहा। जब आप अपने शब्दों में कहेंगे तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगेगा, ठीक। इसके रूल और सब पढ़ाया जाएगा इसमें। तो इनडायरेक्ट क्या होगा, इनडायरेक्ट मतलब जब कोई चीज डायरेक्ट ना बोली जाए, घुमा फिरा के बोली जाए, क्या घुमा फिरा के बोली जाए, घुमा फिरा के बोली जाए तो इनडायरेक्ट। इसलिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पढ़ेंगे, और सिर्फ रूल पे फोकस मत करिए कि रूल रूल रट लीजिए। यहाँ आपको बिल्कुल समझा के एक एक चीज कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ये मान के चलिए बिल्कुल। अब आइए, एक होता है क्लोज टेस्ट, फटाफट सिलेबस को समझ लेते हैं क्या होता है क्लोज टेस्ट। अब क्लोज टेस्ट हो गया, उसके बाद क्या आता है, क्लोज टेस्ट के बाद क्या आता है, आपकी वोकैब वाला पोर्शन बहुत आता है, वोकैब। अब देखो वोकैब में क्या क्या आएगा, वोकैब में देख लीजिए, वोकैब में क्या क्या आता है, वोकैब में आएगा सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, और चलो दूसरे पेज में लिख लेते हैं, यहां से ऐड कर दे रहा हूं। अगर स्क्रीनशॉट लेना है सिलेबस का तो फटाफट से ले लो, देखो सिलेबस कॉमन सिलेबस है सारे एग्जाम का, अगर स्क्रीनशॉट लेना है फटाफट से ले लो, इरर स्पॉटिंग वाइस फटाक से, ठीक। आगे आओ, 5 नंबर में वो कैब जो चल रहे उसमें देखते हैं, वो कैब में और क्या आता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है। रुको कलर यार चेंज करते हैं, थोड़ा तड़कता भड़कता होना चाहिए, ये ले लेते हैं, चलो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। हिंदी में पढ़े होगे, हिंदी में पढ़े होगे कि पूरे कई चीजों के लिए एक एक शब्द यूज होता है, एक वही है ये बिल्कुल सेम, वन वर्ड किसके लिए, पूरे सेंटेंस के लिए सब्स्टिट्यूट कर देगा उसको, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया। अब इसके बाद आ जाओ आइडियम्स एंड फ्रेजेस, आइडियम्स एंड फ्रेजेस। अब ये कौन सी वाला है, हिंदी में मुहावरा पढ़े हो, मुहावरा और लोकतियां वही चीज है यार, कुछ चेंज थोड़ी है, तुमको समझना है बस, एक बार चीजों को समझ लो उसके बाद तुम समझ में आने लगेगा तुमको, तो वही है ये आइडियम एंड फ्रेजेस। देखो वो कैब में ये हो गया, वर्ड मीनिंग भी कभी कभी आती है, तो वर्ड मीनिंग हो गई वो कैब में, ठीक, वर्ड मीनिंग, ये हो गया वो कैब वाला पोर्शन, ये मोस्टली आता है एग्जाम में, सब सारे एग्जाम में। एक आता है सेंटेंस रीस्ट्रक्चरिंग, 5-6 नंबर है, सेंटेंस रीस्ट्रक्चरिंग, सेंटेंस रीस्ट्रक्चरिंग, ये है सेंटेंस रीस्ट्रक्चरिंग। क्या है, एक सेंटेंस देगा आपको रीस्ट्रक्चर कराएगा, जैसे अभी बताया था ना, मान लीजिए इंट्रोगेटिव का सेंटेंस दिया और कहेगा असर्टिव में चेंज करो, ऐसे आएगा, ठीक। तो ये सेंटेंस रीस्ट्रक्चरिंग है, इसको नोट कर लो, देखो फटाक से इसको नोट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
दो चीज और लिख दे रहे हैं, फिल दो तुम, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स आता भरने के लिए, और कभी कभी स्पेलिंग, स्पेलिंग में एरर पूछता है, स्पेलिंग एरर बतानी होती कि स्पेलिंग। ये हो गया, ये हो गया आठ नंबर तक। अब देख लीजिए, एक बचा है कंप्रिहेंशन, पैराग्राफ रीडिंग या कंप्रिहेंशन, ये क्या है, इसमें क्या कराता है, या पैसेज जिसको आप बोलते हैं। अब इसमें क्या कराता है, एक पैसेज देगा आपको, कहेगा कि इससे, इसको पढ़ने के बाद इसके क्वेश्चन करिए, इसको पढ़ने के बाद इसके क्वेश्चन करिए, तो आपको क्वेश्चन करने होते हैं उस पैसेज को, कंप्रिहेंशन को पढ़ के। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, अगर कोई टॉपिक छूट गया है तो कमेंट करके बताएं, कॉमन टॉपिक्स में से या किसी भी एग्जाम में जो टॉपिक आता हो उसको ऐड करवाएं, कमेंट करें कमेंट सेक्शन में। ठीक, आओ अब कॉमन सिलेबस पे बात हो गई। ठीक, कॉमन सिलेबस पे बात हो रही, अगर क्लास पसंद आ रही है, अगर आपको लग रहा है कि बिल्कुल बेसिक से चीजें कवर की जा रही हैं, तो लाइक का बटन जरूर दबाएं, उससे हमें पता चलेगा कि हम सही उसी ढंग से क्लासेस को कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आप सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, चलो आओ। अब मेरा जैसे हम लोगों ने पार्ट ऑफ स्पीच पढ़े, अब उसमें पहला टॉपिक हमारा रहेगा नाउन का, क्या रहेगा, नाउन का। तो पहला टॉपिक नाउन का, चलो नाउन का थोड़ा आज आउटलाइन बनाते हैं। ठीक, कि नाउन में क्या क्या डिस्कस किया जाता है। देखो, तुमको पता होना चाहिए कि क्या पढ़ना है, अगर ये नहीं पता क्या पढ़ना है तो फिर कुछ भी पढ़ोगे। नाउन, अब देखो नाउन में क्या क्या है, अब इसका नाउन का फ्लो चार्ट बना लेते हैं, क्या क्या पढ़ना है। पहली चीज नाउन में पढ़ना है डेफिनेशन, मोटा बहुत चल रहा है, रुको, पहला क्या पढ़ना है डेफिनेशन। अब कहोगे ये तो हमें पता है, अरे एक मिनट में पढ़ लेंगे यार, ये भी छोड़ेंगे नहीं, आगे आओ। दूसरा इसमें कॉन्सेप्ट, अब ये कौन सी वाला है पता चलेगा, थोड़ा इंतजार करो। ये तीसरा इसमें काइंड्स पढ़ने हैं, काइंड्स को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, इसमें ये इंपॉर्टेंट है, इसको डिटेल में कवर करेंगे, डिटेल में इनके बारे में जानेंगे, काइंड्स के बारे में एक एक प्रकार के बारे में जानेंगे, उनको मतलब कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में क्या अंतर है, कलेक्टिव नाउन के बहुत सारे एग्जांपल, अब स्ट्रैक नाउन के साथ साथ कि उसका कैसे किससे संबंध है, सब समझेंगे। उसके बाद पार्ट्स ऑफ नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन और पार्ट्स ऑफ नाउन दोनों में अंतर है। ठीक, पार्ट्स ऑफ नाउन, उसके बाद नंबर, यानी कि नाउन नंबर क्या पढ़ेंगे, नाउन नंबर क्या पढ़ेंगे, नाउन नंबर। यहाँ लिख लो जेंडर, नाउन में जेंडर भी आता है पढ़ने के लिए, जेंडर पढ़ेंगे। फिर नाउन के केसेस होते हैं, नाउन के केसेस होते हैं, तो इतनी चीजें हमको नाउन में पढ़नी है। देखो ये है आउटलाइन, ये अलग तरीका है बिल्कुल मेरा पढ़ाने का, आपको कहीं मिलेगा नहीं ये आउटलाइन वगैरह। आउटलाइन मतलब क्या क्या पढ़ेंगे, ये नाउन अपना प्रोसीड कैसे करेगा। नाउन में सबसे पहले पढ़ेंगे डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट, काइंड्स को डिटेल में पढ़ेंगे, जेंडर को डिटेल में पढ़ेंगे, नंबर को भी बहुत डिटेल में, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो आपके एरर वाले आते हैं वो नंबर से ही आते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर से, और केसेस से भी आते हैं। ठीक, केसेस को भी पढ़ेंगे आराम से। तो ये आउटलाइन रहेगी नाउन को पढ़ने की, ये आउटलाइन रहेगी नाउन को पढ़ने की। अब पार्ट्स ऑफ नाउन और काइंड्स ऑफ नाउन, अब इसमें से आज डेफिनेशन डिस्कस कर ले रहे हैं और कॉन्सेप्ट डिस्कस कर ले रहे हैं, बाकी का कल की क्लास में जारी करेंगे। ठीक, इतनी मेरी जवान काफी चल रही है, आप लोग लाइक वाइक कर रहे हैं कि नहीं, चलो आगे आओ। नाउन, अब नाउन का दो चीज पढ़ना है आज, क्या, डेफिनेशन। अब आप कहेंगे ये बचपन में पढ़ी थी, मैम ने सिखा रखी थी, वो याद होगी ना डेफिनेशन, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस और थिंग, तो बस वही है डेफिनेशन, वही है, बस एक बार बोला था ना, एक बार बताएंगे वो डेफिनेशन सबको आती है, छोटा बच्चा उसको बुलाओ पूछो नाउन की डेफिनेशन वो बता देगा। ठीक, तो नाउन की डेफिनेशन सबको आती है, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस और थिंग। अब तुमको ये नहीं याद रखना है नाउन इज द नेम ऑफ, ये कहीं नहीं पूछा जाएगा, आ गए कंपटीशन में। ठीक है, अब आओ कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट में क्या पढ़ना है, कॉन्सेप्ट में पढ़ो कि नाउन क्या है, सबसे पहले नाउन है नेम, इस बात को हमेशा अपने जहन में रख लो, अपने हमेशा या दिमाग में फिट कर लो कि नाउन नेम है। 50 बार बच्चों से पूछेंगे नाउन क्या है, इसमें छांटो पूरे सेंटेंस में, नाउन ही नहीं बता पाते नाउन क्या है, भूल जाते हैं कि नाउन नेम है।
एक दो बताएंगे, उससे ज्यादा नाउन हुए तो बता ही नहीं पाते हैं, या प्रोनाउन को नाउन या किसी और वर्ड को नाउन बता देते हैं। तो नाउन नेम होगा, ये याद रखो, नेम जो चीज नहीं है वो नाउन नहीं है। अब देखो किसका किसका नेम होगा, कॉन्सेप्ट में यही पढ़ना है। तो पर्सन का नेम होगा, अभी बात करेंगे पर्सन क्या है। फिर प्लेस का नेम होगा, फिर थिंग्स माने सारी जो नॉन लिविंग थिंग्स वस्तुएं हैं जो आगे आओ। चौथा क्या है, फीलिंग्स या क्वालिटीज। चार चीजों का नाम हो सकता है नाउन, किन किन चीजों का, चार। पर्सन का नाम हो सकता है, पर्सन में क्या क्या आएगा, पर्सन को देख लो। पर्सन में सिर्फ तुम नहीं आओगे, हीरो वन मोहन सिर्फ आएंगे। पर्सन में जितने भी लिविंग बीइंग है, मतलब जो जिंदा है, जीवित प्राणी है, सजीव है हिंदी में, ठीक, सब आएंगे इसमें, कुत्ता बिल्ली गाय भैंस सब। ये याद रखना, जो पर्सन में सिर्फ अपने को कर लो कि नहीं पर्सन तो हम ही है, वो तो जानवर है, जानवर भी इसी में आएंगे, ठीक। तो उनका नाम भी इसी में आएगा, ध्यान रखना पर्सन में। प्लेस में, प्लेस बताने की बात है, ताजमहल, ताजमहल है प्लेस, सोच के बिल्कुल हाँ दीवाने हो जाते हो कि हाँ ताजमहल। आगे आओ थिंग्स, थिंग्स में क्या वस्तुएं पढ़नी है, ठीक। अब आओ फीलिंग और क्वालिटीज, ये तो अपने अंदर होती ना, फीलिंग और क्वालिटीज, तुम क्या फील कर रहे हो, क्या क्वालिटी है। मान लो तुम ऑनेस्टी है तुम्हारे अंदर, तो तुम्हें ऑनेस्ट कहा जाएगा, ऑनेस्टी है ना आपके अंदर, ठीक, ऑनेस्टी। तो ये क्या है, फीलिंग ही तो है, ये क्वालिटी ही तो है, ऑनेस्टी क्वालिटी है, जैसे ब्यूटी है किसी के अंदर, ये सब। तो ये क्या है, ये नाम है, किसका नाम है, फीलिंग का नाम है, फीलिंग का नाम है कि नहीं है। आओ तो नाउन का कॉन्सेप्ट समझ लो इसको, आज यही तक नाउन का कॉन्सेप्ट समझो। नाउन के कॉन्सेप्ट में पर्सन, प्लेस, थिंग और फीलिंग, चार चीजों का नाम होगा, याद रखना। पर्सन में कौन कौन आएगा, पर्सन में सिर्फ तुम नहीं आओगे कि तुम आ जाओ, सिर्फ जानवर भी आएंगे, ठीक है। तो याद रखना, आज हमने दो चीजें डिस्कस की, नाउन की डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट। तो आज यहीं तक, दिस इज ऑल फॉर टुडे। और आपको फिर से एक बार बता दिया जा रहा है कि इस चैनल को, किस चैनल को, संदान एजुकॉम, जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसको हिंदी में होगा, हिंदी में इसे संदान एजुकॉम, इसको साफ कर दें, इंग्लिश में, ठीक ठीक है, ठीक ठीक, रुको, इंग्लिश में भी है, रुक जाओ, इंग्लिश में नाम है उसका। अरे देख तो वहीं पे रहे हो ना, तो इसको सब्सक्राइब कर लो भैया, फ्री में मिल रहा है तुमको इतना मटेरियल, तो इसको सब्सक्राइब करने में पैसा तो लग नहीं रहा है, पैसा तो लग नहीं रहा है। डेली वीडियो मिलेगी आपको, मैथ की वीडियो, जीएस की वीडियो, पुलिस की तैयारी चली रही है, हमारे तबाही सर पढ़ा ही रहे हैं इस पे, अवध सर देखो उनकी क्लासेस डेली करा रहे हैं, मैथ वाले सर अब खुद पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश आपकी चलेगी डेली, रीजनिंग भी चल रही है, हिंदी भी आज से स्टार्ट हो गई है, तो इसको सब्सक्राइब कर लें, थैंक यू।